ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम प्राम प्रीम प्रोम सह 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 शनिश्चराय नमः। शनि देव मनुष्य को बर्बाद करते हैं तो आबाद भी करते हैं। यदि मनुष्य सही राह पर चलता है, मांस का सेवन नहीं करता, शराब का सेवन नहीं करता, जुआ सट्टा नहीं खेलता, किसी को तड़पाता नहीं है, तो शनि देव धनी बनाते हैं। शनि देव की अपने पिता सूर्य से अत्यधिक दूरी के कारण यह प्रकाशहीन है, शनि में प्रकाश नहीं है। इसी कारण बहुत से लोग शनि देव को अंधकारमयी, भावहीन, गुस्सेल प्रवृत्ति, निर्दयी और उत्साहहीन भी मानते हैं। परंतु शनि ग्रह जो है ईमानदार लोगों के लिए यश भी देता है, धन भी देता है, पद भी देता है, सम्मान भी देता है। शनि जो है संतुलन एवं न्याय के देवता है। शनि अर्थ, धर्म, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि ग्रह ही धन संपत्ति वैभव और मोक्ष भी देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शनि देव जो हैं, यानी शनि ग्रह के मालिक जो शनि देव हैं, सूर्य पुत्र हैं, पापी व्यक्तियों के लिए अत्यंत कष्टकारी होते हैं। जब भी शनि ग्रह की महादशा, अंतरतर दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, तब जीवन में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, जिससे पूरी तरह जीवन डगमगा जाता है। परंतु शनि कुछ लोगों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल भी देता है। तो जो लोग अपने हाथ पैर के नाखून निरंतर अंतराल पर काटते रहते हैं, वह नाखूनों में मेल नहीं जमने देते हैं, शनि उनका सदैव कल्याण करते रहते हैं। यह अपने शरीर की बात है। तो प्रत्येक मनुष्य को शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने हाथ पैरों के नाखून समय समय पर हर रविवार के दिन काट लिया लेना चाहिए। और जो लोग पौष महीने में गरीबों को काले चने, काले तिल, उड़द, काले कपड़े आदि का निस्वार्थ दान करते हैं, शनि उनसे प्रसन्न रहते हैं। चेत, वैशाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पौष, यानी कि हिंदू महीने के हिसाब से दसवें नंबर का महीना। और जो लोग ज्येष्ठ माह में धूप से बचने के लिए काले छातों का दान करते हैं, शनि देव उन पर अपनी छत्र छाया बना करके रखते हैं, कष्ट नहीं देते हैं। और जो लोग कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्तों को भोजन देते हैं, उन्हें सताते नहीं हैं, शनि देव उन्हें कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो लोग नेत्रहीन व्यक्तियों को राह दिखाकर
उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, शनि देव उनके लिए उन्नति के मार्ग खोलते हैं। और जो लोग शनिवार का उपवास रखकर अपने हिस्से का भोजन गरीबों को दान देते हैं, शनि उनके भंडार भरता है, भंडार भरता है। और जो लोग मछली का सेवन नहीं करते और मछलियों को दाना डालते हैं, शनि देव उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और जो लोग संपूर्ण स्नान कर स्वयं को साफ स्वच्छ पवित्र रखते हैं, शनि देव उन्हें कभी कष्ट नहीं देते हैं। परंतु हां, पिछले जन्म के जो कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उनको तो भोगना पड़ेगा, परंतु शनिदेव उनको भोगने में भी मदद करते हैं। और जो मनुष्य सफाई कर्मियों का सम्मान करता है, उनको आर्थिक अनुदान देते रहता है, शनिदेव उनको धन प्रदान करते रहते हैं। और जो लोग मेहनतकश मजदूरों का हक नहीं मारते, शनिदेव उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देते हैं। और जो लोग पीपल पर या बरगद के पेड़ पर नियमित पूजन करते रहते हैं, निश्चित ही शनिदेव उनसे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य लगाना चाहिए, चींटियों को कसार खिलाना चाहिए, शक्कर का बूरा डालना चाहिए, आटे में शक्कर मिला करके भी देना चाहिए। और जो लोग नियमित शिवलिंग का पूजन करते हैं, शनिदेव उनका सदैव ध्यान रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि शिव जी का पूजन करते रहना चाहिए। जो लोग पितृ श्राद्ध कर कौवे को भोजन देते हैं, शनि खुश होकर उनके कष्ट को दूर करते हैं। और जो लोग धर्म मार्ग से लक्ष्मी अर्जित करते हैं, शनि उन्हें अटूट अचल लक्ष्मी का वर देते हैं। और जो मनुष्य असहाय वृद्धों को आर्थिक अनुदान देता है, शनि देव उनके भंडार भरते हैं। और जो मनुष्य हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि देव उनके रक्षक बन जाते हैं। और जो लोग विकलांगों की सहायता करते हैं, शनि देव सदैव उनका कल्याण करते हैं। और जो लोग शराब व मद्यपान से दूर रहते हैं, शनि देव उनसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जो लोग शाकाहार अपनाते हैं, शनि उनका कुटुंब सहित कल्याण करते हैं। और जो लोग सात मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, शनि उनका भाग्य भी खोलते हैं। और जो लोग ब्याज खोरी से दूर रहते हैं, शनि उनकी सदैव सहायता करते रहते हैं। और जो लोग कोड़ियों की सेवा करते हैं, कोड़ी मनुष्यों की, शनि उनके सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं। यानी मनुष्य को यदि सुखी व समृद्ध रहना है, बीमार नहीं रहना है, तो इन सब के निमित्त अपनी कमाई का 10% हिस्सा आपको खर्च करना चाहिए, ताकि आपके हाथ से दान निकल सके। और दान देने से पाप कटते हैं और पाप से सुख मिलता है, सुख से आनंद मिलता है, आनंद आने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो मैंने बोला है अभी, शनि भगवान की कृपा के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी कमाई का 10% हिस्सा, 10वां हिस्सा आप दान अवश्य करोगे। एक बार और बता देता हूं शॉर्ट एंड स्वीट में कि आपको क्या क्या काम करना है। गरीबों को पोष के महीने में, मतलब हिंदू महीने के 10वें महीने में पोष का महीना आता है, जिस समय पुष भी बोलते हैं, उस समय पे विवाह इत्यादि नहीं होते हैं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, उस समय पे गरीबों को काले चने खिलाना चाहिए, दान देना चाहिए, काले तिल मंदिरों में दान देना चाहिए, काली उड़द भी मंदिरों में दान देना चाहिए, और काले कपड़े का गरीबों में वितरण करना चाहिए।
और ज्येष्ठ का महीना जब आता है, जेठ जिसको मैंने गर्मी का महीना होता है, उस समय काले छाते दान देना चाहिए। और जो लोग कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्तों को भोजन खिलाते हैं, उनको भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नेत्रहीन मनुष्यों को, कोढ़ी मनुष्यों को, वृद्ध व्यक्तियों को, गरीबों को भोजन प्रदान करता है, खुद उपवास रह करके, उनको भी शनि कभी परेशान नहीं करता है। और जो व्यक्ति मांस का सेवन नहीं करता, मदिरे का सेवन नहीं करता, मछलियों का सेवन नहीं करता और मछलियों को दाना चुगाता है, मछलियों को आटे की गोली खिलाता है, शनिदेव उनसे भी प्रसन्न रहता है। और जो मनुष्य लेबर, नीचा काम करने वाले, मतलब सेवक के रूप में जो मनुष्य काम करता है, उनकी मजदूरी को नहीं खाता है, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, वृद्ध स्त्रियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति पीपल के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक रोजाना लगाता हो, जो शिवलिंग की सेवा रोजाना करता हो, जो कौवे पशु पक्षियों की सेवा करता हो, उसके यहाँ पर लक्ष्मी जी के रूप में शनिदेव कृपा करते हैं। और जो मनुष्य हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनिदेव उसकी रक्षा करने का काम भी करते हैं। और जो व्यक्ति ब्याज के पैसे से अपना घर नहीं चलाता है, ऐसे मनुष्यों को भी शनिदेव मदद करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी व्यक्ति जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, ये अपनी कमाई का 10% हिस्सा अवश्य इन कार्यों में अवश्य खर्च करोगे, ऐसी कामना मैं करता हूं। यदि किसी मनुष्य के पास में कष्ट की प्राप्ति है, उसके दुख है, उसको दर्द है, तो वह अपनी कमाई का 10% हिस्सा कुत्तों को भोजन कराने में लगा दे, गरीबों को खाना बांटने में लगा दे। यदि वो एक दिन में 300 रुपए कमाता है, तो 10वां हिस्सा यानी 30 रुपए का खाना किसी गरीब को भरपेट भोजन करा करके घर पे आना चाहिए, तो आप शनि देव की कृपा आपके ऊपर धीरे धीरे होने लगेगी।